والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء المدينة أجمعين أما بعد. हमारे पास अजमीरानी खुदान मोहसिन का जो सिलसिला है तमीनुद्दीन आला से और खुलफ़ा सिलसिला है उससे हमारे पास सुबह बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और रात बाज़ार का भी बहुत कुछ बोझ नहीं है पढ़ने वालों के लिए और जिनको पढ़ना लिखना आता उनके लिए और नहीं पढ़ना लिखना आता उनके लिए सबके लिए आसान है। सिर्फ एक ही नाम है अल्लाह 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 अल्लाह, बस यही जिक्र है। जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं तो सिर्फ ये याद रखें शुरू में बेसिन में तीन हरूफ उसका कॉलर में लगा लेते हैं साउंड के लिए, तो तीन हरूफ हैं सिर्फ बेसिन में बिस्मिल्लाह बोले तो पहले बीच बेसिन में उसके बाद अल्लाह फिर रहमान है बिस्मिल्लाह रहमान। अब जब जो भी काम कर रहे हैं चाहे कुरान की तिलावत करो नमाज पढ़ो या और कोई काम करो या किसी से बात करो ये ख्याल रखना कि बे से अल्लाह बसीर है देखता है मेरे कामों को, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसे अल्लाह देख रहा है, सीन से अल्लाह समी है सुनता है मेरी बातों को, मैं जो कुछ बात कर रहा हूँ पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ तिलावत कर रहा हूँ जबान से जो कलमा निकल रहा है उसको अल्लाह सुन सकता है। दूसरा बिस्मिल्लाह का ये दूसरा लगता है। अब आखिर में मीम है मुहीत बिल इल्म है अल्लाह ताला मेरे दिल में जो इरादा है उनको जानता है, इसका नाम है मुराकबा। आमतौर पर मुराकबा आंख बंद करके बैठना अल्लाह अल्लाह बोलना इसको मुराकबा कहा जाता है, लेकिन हमारे पास सोते जागते काम करते बात करते लिखते पढ़ते मामला करते ये मुराकबा है। इसका मुराकबा है हमारे हर हरकत और खामोशी हरकत और सकून मुराकबा अल्लाह देख रहा है मुराकबा हो गया मुराकबा निगरान अल्लाह सुनता है मेरी बातों को मुराकबा अल्लाह जानता है मेरे इरादों को मेरे दिल में क्या है मैं क्या चाह रहा हूँ ये मुराकबा तो ये मुराकबा तो ये सुबह रोज़ का मुराकबा है। और लेकिन जब सिर्फ अल्लाह अल्लाह बोलने जब बैठे ये जो मैं आपको दिया काम और कागज सामने अल्लाह लिख के रखना उसको अल्लाह अल्लाह बोलना। अब हज़ार बार अल्लाह अल्लाह बोले तो साथ में पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोले ज़बान से बोलना जैसे अल्लाह बसीर देखता है मेरे कामों को सीन से अल्लाह से नहीं सुनता है मेरी बातों को मीम से अल्लाह मुहीत बिल इल्म है जानता है मेरे इरादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद नहीं रहा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आँख खुली रखे वो लिखा हुआ है उसको देखते रहना अल्लाह 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 बुलंद आवाज़ से थोड़ी देर बोलना उसके बाद में आवाज़ बंद कर लेना जबान से बोलना मैं बोल रहा हूँ किसी को सुने आ रहा मेरे अल्लाह के बीच में हो गया अभी उसके बाद मुँह भी बंद कर लेना जबान हिलाओ ऐसा बैठो ऐसे बैठो हाँ चलो अब अंदर के अंदर अल्लाह अल्लाह बोलो होंठ हिलाने की जरूरत नहीं जबान बोल रही अल्लाह चलो ये तरीके से जिक्र करना वक्त नमाज अदा करना और मुख्तसर वजीफे हैं फजर में जो बहुत मुख्तसर है जल्दी जल्दी 10-10 मिनट मुझे जिक्र बहुत है। अब ये तलखीन कैसी है 400 साल पुरानी जबान है ये इब्तदाई उर्दू है ये लेकिन बिस्मिल्लाह नाउ अल्लाह का हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन जाना फरमाए अल्लाह का नाम है अर्रहमान मेहरबान अर्रहीम बख्शनहारा माफ़ करने वाला नाम है। ये शर्त है क्या शर्त है इस जबान से जिक्र करना अल्लाह अल्लाह
जबान से बोलना, क्या बोलना, पहले थोड़ी देर अल्लाह 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 ऐसा, उसके बाद इधर ही हाथ ही ऐसा चलाते हैं, ऐसा नाम को देखते रहना, आँख से अल्लाह का नाम देख रहे हैं, जबान से अल्लाह का नाम बोल रहे हैं, अच्छा हाथ में तस्बीह है अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं। तो पांच हवा से, हवा से हमसा, सुनना, बोलना, देखना, चखना और महसूस करना। अब आप अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं, जबान उंगली हिला रहे हैं, आँख से अल्लाह का नाम देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, जबान से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। ये एक दो तीन मसरूफ हो गए, ये चार मसरूफ हो गए। एक इरादा रहता दिल में, वो जल्दी मसरूफ नहीं होता, उसको जब ये चारों एक हो जाते बात करने में, वो पांचवां भी दिल आके भी बन जाता उसमें। जबान अल्लाह अल्लाह बोल रही तो दिल उसके पीछे पीछे आ जाता, कहाँ तक भागेगा, वो भी साथ साथ अल्लाह अल्लाह बोल रहा। तो शर्त ये है इस जबान से अल्लाह अल्लाह, इस जबान से जिक्र करना अल्लाह अल्लाह। ये इब्तिदा में करे, हजार बार करे, 2000 ऐसा बढ़ा लेना, फिर सो जाना, सोते वक्त भी अल्लाह अल्लाह, उतरते दम में अल्लाह बोलना अल्लाह अल्लाह, सांस ले रही है उतरता दम है अल्लाह अल्लाह बोलना। मैं सिखा देता हूँ, चढ़ते दम में बोलना अल्लाह अल्लाह, सांस छोड़ते वक्त अल्लाह अल्लाह बोलना, पलक मूंदते वक्त, पलक मारते वक्त अल्लाह अल्लाह बोलना, पलक खोलते वक्त अल्लाह अल्लाह बोलना, बंद करते वक्त बोलना अल्लाह अल्लाह, इस नज़र से दिस्ता सो सब देखना अल्लाह अल्लाह, जो को नज़र आ रहा अल्लाह 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 देखना। वो ये करते जगह तो आ जाता हूँ, ये कैसा आता, ये पहले पढ़ के पूरा सुना देता हूँ, कानों में आवाज़ पड़ते वक्त सब सुनना अल्लाह अल्लाह, जो भी आवाज़ आ रही वो अल्लाह अल्लाह, नाक में बात सुनते वक्त, खुशबू सुनते वक्त सुनना अल्लाह अल्लाह, खेलते वक्त बोलना अल्लाह अल्लाह, निवाला मुँह में डालते वक्त बोलना अल्लाह अल्लाह, निवाला चबा, निवाला चबाते वक्त बोलना अल्लाह अल्लाह, निवाला निगलते वक्त बोलना अल्लाह अल्लाह, पानी हाथ में लेते वक्त बोलना अल्लाह अल्लाह, पानी का घोट पीते वक्त बोलना अल्लाह अल्लाह, हिलते चलते वक्त बोलना अल्लाह अल्लाह, पीसते पकाते वक्त बोलना अल्लाह अल्लाह, अभी औरतों के लिए है, सीते पुरोते वक्त अल्लाह बोलना अल्लाह अल्लाह, सोते करवट लेते वक्त बोलना अल्लाह अल्लाह, उठते बैठते वक्त बोलना अल्लाह अल्लाह, कदम दर कदम रखते वक्त बोलना अल्लाह अल्लाह, सारा दिन सारी रात जो काम करे सो अल्लाह की याद सो करना, ये अल्लाह की याद से सो है वो ज़माने में बोलते हैं, तो इसका फ़ायदा हासिल किया। अल्लाह की याद सो तो नहीं किए तो उसका ज़ियान यानी नुकसान हासिल किया, जो काम अल्लाह के नाम से नहीं करे उसमें बरकत नहीं होती, नुकसान। ज़ाहिर शरा में मना किए हुए थे यानी काम करना तो हराम है, शरा में दुरुस्त रखे सो फेल हलाल है। पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की याद से काम किए तो हलाल है, अल्लाह की याद से नहीं किए सो हराम है। यूँ संभाल कर बढ़ते तो यानी ऐसा करें तो इसका नाम जिक्र ज़ेहनी है। अब ये चार चीज़ें हैं, खाना चबाते वक्त अल्लाह अल्लाह बोलना, निवाला मुँह में लिए वक्त अल्लाह अल्लाह होना, पीस चबाते वक्त अल्लाह अल्लाह बोलना, कभी खाना खाते वक्त मैं सिखा दूँगा, ठीक है। अब